गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉरेंस कर्व जो हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक है, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉरेंस कर्व के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है, लिखा हुआ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन। इट मींस अभी तक हमने जो भी डिस्पर्शन निकाला सर, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला है ना, वेरियंस के थ्रू निकाला। तो अब जो हमको डिस्पर्शन निकालना सर, किससे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से। इट मींस लॉरेंस कर्व में आपको ग्राफिकली दिखाना होगा कि मेरा कितना डिस्पर्स कर रहा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, ड्रॉ अ लॉरेंस कर्व फ्रॉम अ गिवन डेटा। एक डेटा आपको गिवन है, उसका लॉरेंस कर्व फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, लॉरेंस कर्व फाइंड करना सर। लॉरेंस कर्व के बारे में हमने क्या बोला है आपको, ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन। इट मींस एक ग्राफिकल मेथड है सर, जो हम आपको ड्रा करके दिखाएंगे कि कैसे ग्राफिकली हम लोग डिस्पर्शन जो होगा सर दो डेटा के बीच में, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन बनाते कैसे है सर। यहाँ दो डेटा आपको गिवन है, एक इनकम का डेटा गिवन है, एक नंबर ऑफ पर्सन का डेटा गिवन है। ये दोनों के बीच का डिस्पर्शन निकालना, इट मींस ये दोनों जो हमारा डेटा गिवन है इसके बीच कितना डिस्पर्शन हो रहा है, कितना डेविएट कर रहा है सर, उसको हम लोग शो करेंगे। तो आइए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे बनाएंगे सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो डेटा है दोनों को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में दोनों का अलग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में क्या करना है, जो इनकम दिया हुआ सर उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालना है। इट मींस जो भी डेटा गिवन होगा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इट मींस इस तरीका का हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस कहेंगे सर, और इसमें एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसका ओरिजिन से सीधे, इट मींस 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा सर, वो लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस इसी लाइन से हमको पता चलेगा कि हमारा ग्राफ कितना डिस्पर्स कर रहा है, दूर बन रहा है या नजदीक बन रहा है। अभी हम जस्ट आपको बना के दिखाएंगे इस टाइप से कि कैसे ग्राफिकली इसको दिखाते हैं सर डिस्पर्शन को। अभी तक तो हम लोग सिर्फ कैलकुलेट किए हैं, वेरियंस निकालें या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो वहां कैलकुलेशन था सर। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, पहले हम इनकम का बना रहे हैं एक बॉक्स इनकम। तो देखिए इनकम के लिए दोनों का अलग निकालेंगे, इनकम का और नंबर ऑफ पर्सन का। तो पहले इनकम, क्वेश्चन यही है आपका, इनकम कितना गिवन है सर, इनकम दिया हुआ 100, 200 नोट कर लेंगे, 400, 500 और 800 है सर, यही है ना। क्या करेंगे, इसका कम्युलेटिव इनकम निकालेंगे सर, कम्युलेटिव इनकम, क्योंकि इनकम का डेटा है ना, तो इस जो भी रहेगा उसका कम्युलेटिव निकाल लेंगे। तो कम्युलेटिव आपको फाइंड करने आता है, क्या करते हैं, फर्स्ट वाला तो सेम ही रह जाता है सर, उसके बाद क्या करते हो, सेकंड वाला उसमें ऐड करते जाते हैं, तो 200 प्लस 100 300 हो जाएगा सर। इसी तरीके से 3 प्लस 4 700 हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 12 प्लस 8 2000 हो जाएगा सर। तो कम्युलेटिव इनकम आ गया सर। अब क्या करना है, एक डेटा और फाइंड करना है आपको, वो क्या करना है, कम्युलेटिव इनकम इन परसेंटेज, कम्युलेटिव इनकम इन परसेंटेज। इट मींस जो भी कम्युलेटिव इनकम आया है सर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको बेसिकली समझना है, उसको हम अलग से आपको समझाएंगे। इट मींस कैसे निकालेंगे सर परसेंटेज वो दिखा रहे। मान लीजिए कि अगर हमको इसका निकालना, इट मींस
इस कम्युलेटिव इनकम का परसेंटेज निकालना सर, तो क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको 100 बाई टोटल जो इनकम है, तो टोटल इनकम को सम कीजिएगा तो यही आएगा, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इट मींस ये टोटल 2000 आएगा, आप सम कीजिएगा क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही सम ही होता है, तो टोटल से डिवाइड करते हैं सर इनटू 100, तो यहाँ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 जा कितना आ गया 5%, परसेंट लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर में हम लिख दिए हैं कम्युलेटिव इनकम इन परसेंटेज के फॉर्मेट में लिख दिए हैं, तो ये आपका 5% हो गया, समझ में आया होगा। अगर अब हमको 300 कम्युलेटिव इनकम है सर, इसका परसेंटेज फाइंड करना है, क्या करेंगे सेम इसी तरीका से, इस बार 300 का करना है तो 300 ऊपर रहेगा और नीचे ऑलवेज जो हमारा इनकम टोटल है वो टोटल को नीचे ऑलवेज लिखेंगे इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 टू जा 13 होता सर, तो सेकंड वन हमारा 15 आ गया। सेम इसी तरीका से आप निकालिएगा फिर किसका, 700 का, तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पे रफ करेंगे, इसके लिए आप रफ साइड में कर सकते हैं, तो 700 का निकालना है सर, 700 नीचे तो ऑलवेज 2000 से होगा सर इनटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 35 टू जा 70 होता है, इस तरीका से 35 आ गया सर। नेक्स्ट हमारा 1200 इनटू 100, यहां भी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 62 जा ये 60 हो गया सर। सिमिलरली लास्ट वन है हमारा 22000 और नीचे भी 2000 ही है सर इनटू 100, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इट मींस कितना हो जाएगा 100%, 100% क्यों, क्योंकि जितना है उसी का टोटल पे निकालना है, तो इस तरीका से सारे का हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए। तो आप देखें कि लोरेंज कर्व निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत होता है सर, जो भी डेटा गिवन होगा उसका कम्युलेटिव निकाल लेंगे, ठीक, कम्युलेटिव निकालने के बाद कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड कर लेंगे सर, बस परसेंटेज पे ही आपका गेम है, इट मींस इसी पे ग्राफ बनता है जो आपको अभी हम जस्ट दिखाएंगे। एक और डेटा हमारे पास है नंबर ऑफ पर्सन, सेम इसी तरीका से एक बॉक्स और बनाएंगे जो कि हम यहां बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हो गया, फिर आपका नंबर ऑफ पर्सन में नोट कर लीजिए कितना कितना दिया हुआ है, इसमें है आपका 80, 70, 50, 30 और 20, यही है ना। अब इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कम्युलेटिव इनकम है, यहाँ पे कम्युलेटिव पर्सन है ना, यहाँ क्या लिखेंगे कम्युलेटिव पर्सन क्योंकि पर्सन के बारे में है, फिर यहाँ पे कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ, यहाँ परसेंटेज निकल जाएगा है ना, कम्युलेटिव पर्सन परसेंटेज, तो सीधे लिख देते हैं परसेंटेज, यहाँ पे सिर्फ हम लिख रहे हैं ऑफ पर्सन, सेम उसी तरीका से क्या करेंगे सर, इसका भी हम लोग नोट करेंगे, तो फर्स्ट का तो 80 हो जाएगा, 8, 7, 15 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 230, 250, तो सेम जैसे अभी इसका परसेंटेज निकाले सर, इसके लिए भी क्या करेंगे, इस डेटा का अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो 80 बाई टोटल का सम कीजिएगा इसका, तो 250 आएगा, तो 250 इंटू 100 अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 32 आएगा। सेम इसी तरीका से इसका 60 आएगा सर, इसका 80, इसका 92 आएगा और ये आपका 100, देखिएगा लास्ट का जो होगा ऑलवेज 100 होगा। तो देखिए हम आपका डेटा
जो भी गिवन था उसके अकॉर्डिंग उसका टेबल ड्रा कर लिए। तो यहाँ दो डेटा गिवन था, दोनों का कम्युलेटिव निकाले, फिर उसका परसेंटेज फाइंड कर लिए। सेम उसी तरीका से नंबर ऑफ पर्सन गिवन था, उसका कम्युलेटिव निकाले, फिर उसका परसेंटेज सेम है जैसे इसका बताए हैं उसी तरीका से उसका निकल जाएगा सर। अब क्या करेंगे, एक हमको ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ होगा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जाएगा, इट मीन्स ऐसा कुछ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। अब होगा कि सर एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे और वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे। जनरली आप जो नंबर ऑफ करके दिया रहेगा उसको एक्स एक्सिस पे रखिएगा। तो एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, हम बोले हैं कि परसेंटेज में हम इस पे चर्चा करेंगे, इट मींस परसेंटेज इसका इनकम का और परसेंटेज ऑफ पर्सन, पर्सन का सर। तो नीचे होगा परसेंटेज ऑफ पर्सन आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम। इस तरीका से आप लिख दीजिएगा वाई एक्सिस में परसेंटेज ऑफ इनकम, यहाँ परसेंटेज ऑफ पर्सन। अब क्या करेंगे, आप इसको भी देख रहे होंगे कि मैक्सिमम 100 तक गया है सर, और ये भी मैक्सिमम 100 तक गया है। तो दोनों को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स 0 यहाँ हो गया ओरिजिन, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सेम उसी तरीका से इसमें भी जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 और इसको ऊपर तक ड्रा कर दीजिए 80 90 और 100। इट मीन्स ये 100 तक जाएगा। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैक्सिमम मेन चीज है समझाना कि सर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम आपको बताएं कि आपका दो डेटा गिवन है सर, उसका कम्युलेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कम्युलेटिव परसेंटेज फाइंड करेंगे और उसी को ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा कि आपको बोले थे कि एक 45 डिग्री का एंगल, क्यों, क्योंकि 100 0 0 ओरिजिन और 100 100 का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे पॉइंट दिया रहेगा 100 100 तो इसका मतलब आप समझते हैं, 100 का मतलब हो गया सर ये एक्स के बारे में बोल रहा है और अदर है जो वाई के बारे में बोल रहा है। इट मींस अगर इस तरीका से रहता 25, अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं अगर इसको रिप्रेजेंट करना होता है इस पॉइंट को कि 25 कहां रिप्रेजेंट होगा सर, तो हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट में लिखा हुआ वो एक्स एक्सिस का बात है सर, और सेकंड में है वो वाई एक्सिस। इट मींस एक्स में 2 जाते हैं और वाई में 5। सेम उसी तरीका से यहां 100 का मतलब है एक्स में 100 और वाई में 100 जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट जहां मीट करेगा। इट मींस मान लीजिए ऐसा हम साइड रफ डायग्राम आपको दिखाना है कि यहां पे मीट कर रहा सर, कहां पे मीट कर रहा, आप अगर यहां से एक पॉइंट ले गए, समझिएगा सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, तो ये पॉइंट है सर 100 100 और ये दोनों को मीट कर देंगे, ये दोनों को मीट कर देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वन मिनट, आपका टेबल बना हुआ, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करें कि जो लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे ड्रा का होता है। देखिएगा एक लाइन हम बनाए हैं, एक लाइन जो बनाए हैं ओरिजिन से लेके ये कॉर्नर कहां तक सर 100 100, इट मींस 0 0 से 0 0 से कहां तक 100 100 तक के पॉइंट को मिलाते हैं या सिंपली 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लेकिन कहां तक सर, एक्स एक्सिस के 100 और वाई एक्सिस के 100 जहां एंड करता सर, वो दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, एक ओरिजिन और एक 100 100। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन,
लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इट मींस इसी लाइन से पता चलेगा कि इस लाइन से ही कितना हमारा जो दोनों पॉइंट है सर कितना डिस्पर्स कर रहा, डिस्पर्सन निकालना है ना, हमको डिस्पर्सन दिखाना है ग्राफिकल मेथड से सर। तो ये आपको समझाने का भी हम दिखाएंगे। अब देखिए कैसे ड्रा करेंगे। अब सबसे पहले इनकम का देखेंगे। फर्स्ट में इनकम कितना परसेंट है, 5%। ये दोनों का कंपेयर करेंगे। इसका इनकम 5% है तो उस समय नंबर ऑफ परसेंटेज पर्सन का कितना था, 32। तो 32 नीचे है पर्सन ना। आप देखिए यहाँ पे 30 है तो 32, 30 और 40 के बीच में कहीं होगा 32 ना। तो 32 मान लीजिए यहाँ सर, तो आपका उस समय इनकम कितना था, 5%। इट मीन्स इसका हाफ। तो ये दोनों पॉइंट के सामने इट मीन्स हम लोग कैसे मूव करेंगे, इस पॉइंट में ऐसे 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 जाएंगे। कहां तक जाएंगे सर, 32 के सामने रुक जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे मेरा ओरिजिनल पॉइंट होगा। बस ये दिखाने के लिए समझा रहे थे कि पॉइंट देंगे कैसे सर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा 5 और 32 को लेके। सेम सेकंड में जाएंगे तो इसका 15 है तो इसका 60 है। तो 15 वाई एक्सिस में ना, क्योंकि इनकम को हम वाई एक्सिस में दिखाए। तो फिर 15 कहां आएगा सर, यहां आएगा। और ये 60 है, एक्स एक्सिस में 60 जाओ तो 60 और वाई 60 में ऊपर जाएंगे। मान लीजिए कि ऐसे जा रहे और 15 के सामने ऐसे 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 मूव करेंगे तो इसके सामने। इट मीन्स जो हमारा पॉइंट होगा, ये हम बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझिए कि पॉइंट लेते कैसे है सर। इट मीन्स पहले एक्स एक्सिस में 60 पे गए और y एक्सिस के सामने जहां मीट करेगा वो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो आप पॉइंट का नेम भी दे सकते हैं लेकिन नेम देना कोई जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट है मेरा 35, तो इसमें थर्ड 80 है। तो 35 का मतलब फिर हम कहां जाएंगे, 35 का मतलब फिर हम यहां रहेंगे सर y एक्सिस में और यहां 80 बोल रहा है। 80 इट मींस यहां। तो 35 80 में ऐसे स्ट्रेट जाएंगे किसके सामने, 35 के सामने हम लोग क्या करेंगे, इंड कर देंगे। इट मीन्स ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट समझने के लिए बस पॉइंट दे रहे हैं कि ये पॉइंट मिल गया सर। नेक्स्ट वन है 60, तो इसमें क्या है सर, 92। तो 60 हमारा वाई एक्सिस में ना, क्योंकि इनकम वाई एक्सिस में है। तो 60 आपका कहाँ है, यहाँ। जब इसमें 60 तो इसमें 92, 92 का मतलब 90 से जस्ट थोड़ा आगे होगा सर। तो ये 60, 92 इसमें ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे सर, ये 60 आप देख रहे हैं इस पॉइंट में मिल रहा है। इट मीन्स यहां पे आप बस समझिएगा ये पॉइंट हो गया आपका। एक लास्ट वन है 100, तो उसमें भी 100। तो 100 100 का मतलब कहां मिट कर जाएगा सर, और जहां पे हम इंड किया था हमारा ग्राफ वहीं मिल जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये स्टार्ट कहां से करेगा, अगर इसको दिखाना होगा इस ग्राफ को तो ओरिजिन से दिखाते हैं। इट मींस ओरिजिन से इस तरीका से पॉइंट को मिलाते जाएंगे जहां जहां पॉइंट था, और लास्ट वन उस ओरिजिन पे मिला दीजिएगा। ये इसी में बना दिए हैं, इसमें ग्राफ भी आपका। तो ये आपका इस लाइन से पता चला कि कितना डिस्पर्स कर रहा, इस लाइन से आपको पता चल गया कि जो हमारा किस क्या चीज है, इनकम और पर्सन के बीच में जो डिस्पर्सन है वो कितना है सर, वो देख लीजिए, ये डिस्पर्सन हो गया आपका। तो इस तरीका से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर दो डेटा गिवन रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर लोरेंज कर्व। तो सिंपली दो चीज हमको निकालना है, क्या क्या सर, एक कम्युलेटिव इनकम, अगर इनकम गिवन है तो कम्युलेटिव इनकम, पर्सन है तो कम्युलेटिव पर्सन, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे सर। कम्युलेटिव इनकम का परसेंटेज निकाल लिए इस डेटा का और उसका, फिर दोनों के परसेंटेज का हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ग्राफ है उस पर ड्रा कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर लेंगे। वो कैसे ड्रा करेंगे सर, ओरिजिन इट मीन 0 0 और 100 100 को मीट कर लेंगे, वही लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वही आपको दिखाएगा कि हमारा डिस्पर्सन कितना हो रहा है, इट मीन इस लाइन से कितना दूर है, नजदीक है या दूर है। तो देख रहे हैं कि इस लाइन से बीच में काफी डिस्पर्स किया हमारा ग्राफ। तो इस तरीका से ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक टाइप और होता है सर लोरेंज कर्व में, वो नेक्स्ट टाइप आपका ये है। इट मींस आपको इसमें क्लास इंटरवल टाइप से गिवन है ना, जैसे वेजेस दे दिया है कि 50 से 70 के बीच में जो मिलता है वो कितना नंबर ऑफ वर्कर है, 20 है उसको इतना रुपया मिलता है, 70 से 90 के बीच में जो रुपीज मिलता है वो नंबर, दो तरीका का वर्कर है सर। इट मींस होता है कि अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें नंबर ऑफ टाइप का वर्कर होते हैं ना, कोई कुछ काम करने वाले कोई कुछ करते हैं, उस टाइप से यहाँ दो टाइप के वर्कर हैं, एक वर्कर ए और एक वर्कर बी। तो उसका डेटा गिवन है कि कितना वेजेज उसको मिलता है, वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ। इट मीन्स 50 से 70 रुपीज के बीच में नंबर ऑफ ए में 20 वर्कर्स को मिलता है, इसमें 70 टू 90 के बीच में 15 वर्कर्स को मिलता है, इस तरीका से आपके पास डेटा गिवन है। तो अगर इस टाइप के डेटा गिवन होगा सर तो इसका हम लोग कैसे लोरेंज कर्व फाइंड करेंगे, तो आइए एक एक कर हम लोग ये तीनों का अलग से आपको डेटा बनाने पड़ेगा। इट मींस वेजेस का भी बॉक्स बनेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स, नंबर ऑफ वर्कर ए का भी बनेगा सर और नंबर ऑफ वर्कर बी का भी बनेगा। तो आइए एक एक कर हम तीनों का बनाते हैं और फिर क्या करेंगे, वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर ए का एक बार कंपेयर करेंगे और फिर एक बार वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर बी को कंपेयर करेंगे। तो इस तरीका से इसमें दो को कंपेयर करेंगे तो दो ग्राफ मेरा बनेगा उस लोरेंज कर्व में। तो आइए एक एक कर जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम यहां वेजेस का निकालना, तो वेजेस का क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ सर, तो क्या करेंगे, तो इसका मिड वैल्यू फाइंड कीजिएगा, उसके बाद उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होगा सर, और उसके बाद जैसे ही कम्युलेटिव वेजेस कम्युलेटिव जैसे ही क्लियर होगा सर, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ये जो आपका इंटरवल गिवन है इसका मिड वैल्यू फाइंड कीजिए है ना, उसके बाद कम्युलेटिव वेजेस और फिर कम्युलेटिव वेजेस परसेंटेज, परसेंटेज में सेम उसी तरीका से नंबर ऑफ वर्कर है उसका क्या करेंगे, कम्युलेटिव वर्कर्स, उसके बाद परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव वर्कर। सिंस इसी तरीका से तीन फिगर होगा, आप एक एक कर उसको नोट कीजिए और आइए देखते हैं इसको बनेगा कैसे सर। तो सबसे पहले हम लोग वेजेस का निकाल रहे हैं, यहां वेजेस गिवन है, हाँ वेजेस हमारा गिवन है सर, ऑफ कर दीजिए। हाँ अब देखिए आपका क्वेश्चन था कि फाइंड द लोरेंज कर्व सर, यहाँ तीन डेटा गिवन है, इट मीन्स क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में वेजेस गिवन था, नंबर ऑफ वर्कर, इट मीन्स अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां दो टाइप्स का वर्कर्स है सर, एक वर्कर ए और एक टाइप है वर्कर बी का, और उसका वेजेस का इंटरवल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, एक इंटरवल का निकालिए कम्युलेटिव, इट मीन्स जो भी वेजेस दिया हुआ था सबसे पहले जब भी इंटरवल के फॉर्मेट में रहेगा आप उसका मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस मिड वैल्यू का कम्युलेटिव सब निकाल लिए। दो ही काम तो करना है, एक कम्युलेटिव और एक परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव। इट मींस जैसे ही कम्युलेटिव आएगा सर उसका परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हर एक कम्युलेटिव का सर, बोले थे 60/ जो टोटल का सम आएगा, इट मींस कम्युलेटिव का जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होगा, सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे सारे को। तो 60/500 इंटू 100 कीजिएगा तो आपका 12 आएगा, सेम 140/500 इंटू 100 करेंगे ये आएगा। इस तरीका से ये जो रो है उसका हम लोग फ्रेम कर लिए सर, फिर नंबर ऑफ वर्कर ए के लिए एक फ्रेम कर लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया हमारा, ये सेकंड बॉक्स आया, और थर्ड जो बॉक्स बना है वो नंबर ऑफ वर्कर बी के लिए बना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको इसको मिटाना होगा, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा इट मींस परसेंटेज वाले को हम एक जगह नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको लोरेंज कर्व, इट मींस कर्व के थ्रू हम लोग पहचानेंगे सर। हम लोग दो ये जो डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या किए, तीन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए, एक वेजेस का बनाए सर और दो वर्कर्स का बनाए, इट मींस एक वर्कर ए टाइप जो था और एक वर्कर बी टाइप था।
दोनों का अलग अलग निकालें। अब क्या करेंगे सर, वेजेस से कंपेयर करेंगे। एक बार वेजेस को वर्कर ए के साथ और अदर बार किससे करेंगे, वेजेस को वर्कर बी टाइप से करेंगे। इट मीन्स दोनों का कंपेयर वेजेस के साथ ही होगा। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं कि कैसे कंपेयर करते हैं सर। तो वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस को हम लोग कहाँ लिखेंगे सर, तो वेजेस को हम लोग वाई एक्सिस में लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एक्सिस में परसेंटेज ऑफ वेजेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर लिख लीजिए। इट मीन्स एक्स एक्सिस में परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर है। किसका किसका परसेंटेज है, तो नंबर ऑफ वर्कर का परसेंटेज को एक्स एक्सिस पे दिखाएं सर, और नंबर ऑफ वेजेस को वाई एक्सिस पे दिखाएं। यहां आप देखे होंगे कि ये हम लोग क्या किए हैं, और रीजन से इट मीन्स जीरो से और एक हंड्रेड हंड्रेड, तो हंड्रेड का मतलब एक्स एक्सिस पे हंड्रेड और वाई एक्सिस पे हंड्रेड, दोनों का जो पॉइंट होगा उसको और ओरिजिन को मीट कीजिएगा। आप मिलाइएगा जो लाइन बनेगा सर, उसको हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन में इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अब मूव करेंगे। तो देखिए वेजेस में आपका पहला जो डेटा है 12 है, अभी हम ए को लेके चल रहे हैं, तो 12 वेजेस में, इट मीन्स ये वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में ये है सर, एक्स एक्सिस में क्या है 20, तो एक्स में 20 जाएंगे और वाई में कितना जाएंगे 12 जाएंगे, तो एक्स में 20 और वाई में 12 जाएंगे तो कितना जाएंगे, इसके सामने 20 के सामने एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट हमारा 28 है, इट मीन्स वाई एक्सिस में 28 है, 30 से जस्ट नीचे होगा सर, और एक्स में कितना 35 है, 35 इट मीन्स 30 और 40 के बीच में, तो इसके सामने आप ये रफली हम दिखा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा यहां एक पॉइंट देंगे समझने के लिए कि 30 और 40 के बीच में ऊपर मूव करेंगे किसके सामने आएंगे, 30 से जस्ट नीचे क्योंकि 28 है सर। नेक्स्ट वन है हमारा 48 और 55, तो 48 इट मीन्स 50 से थोड़ा नीचे सर, और इसमें 55 का मतलब 50 और 60 के बीच में, तो इसमें मूव करेंगे ऐसे 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 मूव करते जाएंगे, कहां तक जाएंगे सर, यहां तक रहेंगे है ना। तो ये सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल लेने के लिए कवर कर रहे थे, एक्चुअल तो बस ये समझना था कि इसके सामने और इसके सामने का जो पॉइंट होगा सर, सिर्फ इस पॉइंट से हमको मतलब है। नेक्स्ट वन है हमारा 72 वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में 72 का मतलब 70 से जस्ट ऊपर सर, और एक्स में 80 ए वाला है ना, एक्स में 80 जाएंगे, तो इसमें 72 में ऊपर जाते जाएंगे कहां तक जाएंगे सर, तो 80 में ऊपर आना है, ये दोनों जहां मिट करेगा सर वही पॉइंट होगा, इट मीन्स ये पॉइंट होगा, तो सिर्फ ये पॉइंट को लेने के लिए इसको खींचे थे, बाकी इसका कोई काम नहीं है, इसको आप मिटा सकते हैं। ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पॉइंट कैसे ड्रा करते हैं। लास्ट वन है 100 100, इट मीन्स जाके यहां मिल गया सर, अब इसको ड्रा कर दीजिए इस तरीका से, ओरिजिन से लेके चलते हैं। पॉइंट को थोड़ा डार्क कीजिएगा जिससे पता चले। अब एक ग्राफ बन गया, इट मींस वेजेस और ए के बीच कंपेयर कर दिए कि लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कितना डिस्पर्स कर रहा। अब वेजेस और बी को लेके चलेंगे सेम इसी तरीका से जैसे हम ए के साथ चल रहे थे, तो इस बार 12 और 30 जाएगा, तो 12 किस में, वाई एक्सिस में ना, इट मीन्स 12 यहां होगा सर, और 30 एक्स एक्सिस में थोड़ा ऊपर जाएगा, 12 और 30 यहां होगा, ले लिए। नेक्स्ट वन है 28 और 50, 28 का मतलब तो यही होगा सर, अब इसमें ऐसे मूव करते जाएंगे और यहां 50 आएगा, 50 के सामने हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सर 48 और 68, 48 का मतलब यहां सर
और 68, तो आप इसमें मूव कीजिए कहां तक, 68 का मतलब 70 से जस्ट पहले। तो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट वन है 72, वाई एक्सिस में 72 यहां होगा सर, और एक्स में कितना 90, तो 72 वाला जाएगा कहां तक जाएगा सर, ये जा रहा है ये 90 तक जाएगा, इट मीन्स यहां जाएगा। इसको मिटा दिया बस समझने के लिए लिए थे, ये 90 हो गया। नेक्स्ट वन है 100, इट मीन्स ये भी पॉइंट लास्ट में कहां मिट करेगा सर, इसी पॉइंट में मिट करेगा। तो एक हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दिए। अब आप बता सकते हैं ए लोरेंज कर्व बन गया सर, आप लिख सकते हैं कि लोरेंज कर्व ये बी का है, फॉर बी, और ये किसका है, फॉर ए। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि डिस्पर्सन किसमें ज्यादा है सर, इट मीन्स ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है, ये लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से दूर ज्यादा कौन भाग रहा है। तो आप देखिए कि जो बी है, इट मीन्स वर्कर जो बी टाइप का है उसमें डिस्पर्सन ज्यादा है, इट मीन्स उसमें वेरिएशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वर्कर ए। तो आपको यही दिखाना था ग्राफिकल मेथड से कि किसमें मोर डिस्पर्सन हो रहा है ना, किस टाइप के वर्कर में जो डिस्पर्सन है मोर है। तो हमको ग्राफ से क्लियर हो रहा कि ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन है, जो इस लाइन से जितना दूर होगा उसमें मोर डिस्पर्सन होगा, यही आपको इस ग्राफ के थ्रू दिखा रहा था। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा लोरेंज कर्व ड्रा करने के लिए, है ना। तो आपका डेटा गिवन है, वो एक तरीका से आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डेटा गिवन है सर, है ना। उसमें इयर्स गिवन है 2004, 2005, 2006, तो आप देख रहे हैं रेगुलर है सर, कंटिन्यूअस दिया हुआ। वन टू आप उसको कंसीडर करेंगे कि वन उसका कम्युलेटिव निकालेंगे, इट मीन्स ईयर। आइए उसको समझते हैं। आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद हम उसको देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, मीन्स इसका कैलकुलेशन। बस हम समझा रहे हैं कि अगर ईयर में दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ देखिए ईयर में लिखा हुआ 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, उसका कम्युलेटिव निकालना सर। तो क्या करेंगे, इसको ईयर में, इट मीन्स इसको फर्स्ट ईयर कंसिडर कर लिए, सेकंड है क्योंकि इंक्रीज कर रहा, एक एक करके इंक्रीज कर रहा ना। तो इसका जब कम्युलेटिव निकालेंगे तो एक एक ऐड होगा सर, तो ये 1+1 2 हो गया, 2+1 3 हो गया, 3+1 4, क्योंकि 6 के बाद 7 ही आया है ना। 6 के बाद अगर 2 साल इंक्रीज करता तो 2 ईयर ऐड करते, लेकिन देख रहे हैं कि एक एक साल ही ये कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा, तो 1-1 ऐड होते गया सर, कम्युलेटिव ईयर आ गया। कम्युलेटिव ईयर आ गया तो उसका परसेंटेज निकाल दिए। परसेंटेज निकालने के लिए आपको हम बताएं कि क्या करेंगे, जिसका निकालना, इट मीन्स फर्स्ट का निकालना है, तो 1/टोटल, टोटल का सम बताए थे जो कम्युलेटिव का सबसे लास्ट में आता है, उसी से डिवाइड कर देंगे बाय 100, बाय इनटू 100 करेंगे तो 25 जा, तो देखिए 20 आ गया। सेकंड आपका 2 है सर, 2/5 इनटू 100 करेंगे तो ये कितना मार में 20, 22 जा 40। इस तरीका से सिमिलरली हर एक का परसेंटेज आप फाइंड कर लीजिएगा। सेम उसी तरीका से आपका सेकंड जो आपका टेबल है सेल का दिया हुआ है कि किस ईयर में कितना सेल हुआ सर, तो उसका हम लोग डेटा निकाले, इट मीन्स सेल दिया हुआ उसका कम्युलेटिव सेल निकाल लिए, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लिए। यहां भी परसेंटेज सेम उसी तरीका से सर, अगर इस 5 का फर्स्ट डेटा का परसेंटेज निकालना है तो क्या किए, 5 बाई जो लास्ट वाला है उसी से डिवाइड करते हैं, 50 इंटू 100।
52 5 2 10 10% आ गया। सेम उसी तरीका से हर एक का निकाल लीजिएगा, उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और एक में हम लोग परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव ईयर, एक परसेंटेज ऑफ सेल, है ना, एक क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ सेल और एक परसेंटेज ऑफ ईयर। तो परसेंटेज ऑफ ईयर लिख लिए एक में, एक में परसेंटेज ऑफ सेल लिख लेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लिख दीजिएगा और अकॉर्डिंग टू आप देखिएगा कि ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा। जनरली देखिएगा मैक्सिमम 100 तक ही जाएगा सर परसेंटेज, तो इसको भी 10 से लेके 100 तक ले जाएंगे सर, यहाँ भी 10 से स्टार्ट होगा 100 तक जाएगा और ओरिजिन से एक 100 और 100 के बीच में आप इक्वल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इक्वल लाइन ऑफ ये लिखना है, इक्वल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इक्वल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा होगा तो ये दोनों डेटा को लेके इट मींस फर्स्ट का 20 ये देखेंगे कि किसमें हम किसको लिखे हैं, एक्स में जिसको लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। कि अगर ईयर को एक्स एक्सिस में लिया सर तो एक्स में 20 देखेंगे और वाई में 10 देखेंगे, तो 20 10 के अकॉर्डिंग पॉइंट को आप दिखाइएगा और देखिएगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन 1 बनेगा। हम ग्राफ को छोड़ दिए हैं, वो खुद आप ड्रॉ कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाइएगा, आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको देखिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन गिवन है, इट मींस यहाँ पे डेली वेजेस है ना, नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ दो टाइप के वर्कर हैं है ना, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में नंबर ऑफ वर्कर का डेटा गिवन है ना। यहाँ लोरेंस कर्व ड्रॉ करने बोला है, डेली वेजेस गिवन है, इट मींस क्या होगा सर, जो डेली वेजेस गिवन है 2024 इस तरीका से उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर फैक्ट्री ए का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट मींस उसका एक अलग बॉक्स बनेगा सर, और एक फैक्ट्री बी है उसका एक अलग बॉक्स बनेगा इट मींस उसका अलग कम्युलेटिव निकलेगा और उसका कम्युलेटिव परसेंटेज निकलेगा। इट मींस तीनों का अलग अलग निकाल के और डेली वेजेस से एक बार फैक्ट्री ए को कंपेयर करके बनाएंगे सर, और सेकेंड बार किसको करेंगे, फैक्ट्री बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस तरीका से इस ग्राफ को आप खुद ड्रॉ कीजिएगा, बस ये हम दिखा रहे थे आपको कि मैक्सिमम इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है या क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहेगा, जो क्वेश्चन आपको हम दिखाएं कि उसमें मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, सिर्फ जनरली कम्युलेटिव निकाल लीजिएगा। इट मींस डेली वेजेस का कम्युलेटिव अलग निकाल लेंगे सर, फैक्ट्री ए का अलग और फैक्ट्री बी का अलग। तो इस तरीका से आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, इट मींस इसमें हम लोग मैक्सिमम चीज को कवर किए। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।